मैं जानती हूं कि मेरे परिवार के बारे में क्या नहीं कहा। सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाते हैं कि हम परिवारवादी हैं, है ना? ये आरोप लगाते हैं कि हम परिवारवादी हैं, और फिर जिस पार्टी से जिस दल में जिस नेता का बेटा पकड़ सकते हैं उसको अपनी पार्टी में खींच के ले जाते हैं। परिवारवादी हम हैं। फिर कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं। बहुत इन्होंने हमारे बारे में कहा है, लेकिन मैं आपको दिल से बता रही हूं, बहुत पीढ़ियों से हमने सेवा की है। आप अगर सोच के हमें बताएंगे कि मेरे परिवार का कौन सा सदस्य सत्ता में रहा है पिछले 30 सालों से, बताइए। ये कहते हैं हमें सत्ता का लालच है, हम सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे। अपने आप को राम भक्त कहते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि भगवान राम ने क्या किया? मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए जाते थे? क्योंकि अपने परिवार की मर्यादा उन्होंने रखी, अपने परिवार के असूलों के लिए लड़े, अपने परिवार की गरिमा के लिए लड़े, अपने कुल की रक्षा की, और तभी उन्होंने अपने देश की रक्षा की, अपने लोगों अपने प्रजा की रक्षा की। ये एक पुरानी हिंदू परंपरा है, ये हमारे धर्म की परंपरा है। इसको परिवारवाद नहीं कहते, इसको सेवा भाव कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश की सेवा करती है। इसको देशभक्ति कहते हैं कि एक शहीद होता है, इसको देशभक्ति कहते हैं कि एक शहीद होता है तो दूसरा खड़ा होता है, और दूसरा शहीद होता है तो तीसरा खड़ा होता है, और तीसरा शहीद होगा तो चौथा खड़ा होगा। कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, आपने बहुत दे दिया है, आपने इतना दिया है कि 10 पीढ़ियां नहीं चुका सकती हमारा ऋण। आप हमें नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमें नहीं चाहते तब भी हम सेवा करेंगे, हम मांगेंगे नहीं, हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे। एक सच्ची आस्था होती है, एक सच्ची श्रद्धा होती है। ये मोदी जी नहीं समझ पाएंगे, आप समझोगे। आप क्यों समझोगे? क्योंकि आपने सरहद पे अपने बेटों को भेजा है, इसीलिए आप समझोगे। आपके बेटे कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट के बेटे इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, इस देश के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी शहीद हुए हैं, इसलिए आप इस भावना को समझ सकते हैं, मोदी जी नहीं समझ सकते। मोदी जी ने कुछ त्याग नहीं किया इस देश के लिए, त्याग आपने किया इस देश की धरती के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए। आप समझ सकते हैं कि अगर एक परिवार इस देश के लिए त्याग करता है, इस देश के लिए शहीद होता है, उसका क्या मतलब है और उसकी दिल में कैसी श्रद्धा होगी।